ओके गाइस, सो परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है, स्ट्रिंग वन मिलेगी, ये स्ट्रिंग वन, और आपको एक स्ट्रिंग टू मिलेगी, ये स्ट्रिंग टू। आपको क्या करना है ना, स्ट्रिंग टू में कोई ऐसी सब स्ट्रिंग ढूंढनी है जिसकी परम्यूटेशन सेम हो स्ट्रिंग वन में, यानी एबीसी की परम्यूटेशंस की कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या स्ट्रिंग टू में, सब स्ट्रिंग आई मीन। तो अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। मतलब एनाग्राम्स ढूंढने हैं आप, कह सकते हो उसको, ओके ना, एनाग्राम ढूंढने हैं आपको स्ट्रिंग टू के, कोई मतलब स्ट्रिंग टू में कोई ऐसी सब स्ट्रिंग है जो एनाग्राम है स्ट्रिंग वन के, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। फाइन, चलो चलो, तो इतना तो आ गया हमको, इतना तो आ गया, ठीक है। अच्छा कैसे कर रहे होंगे ना, कैसे कर रहे होंगे इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान है, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है ये। तो इसमें ना एक चीज और गिवन है कि जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर है ना, वो ए से लेके जेड तक ही होंगे, ठीक है, ए से लेके जेड तक होंगे। तो इस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं हम, कैसे उठाएंगे, चलो तो एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं करेक्ट, इंटीजर टाइप का, 26 साइज का। तो मैं फटाफट से वो एरे बना लेता हूँ। ओके ओके, सो इसमें क्या स्टोर कर रहे होंगे ना, इसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे होंगे करेक्टर्स की। तो अभी स्ट्रिंग वन के लिए करते हैं, एक काम करते हैं ये हटा देते हैं। हाँ वेट, ठीक है गाइस, तो मैंने इसको अच्छे से करके लिख दिया है। तो अभी पहले क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग वन जो है ना, इसकी परमुटेशन ढूंढनी है हमको स्ट्रिंग टू में। तो पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है अपडेट कर देंगे इन आवर एरे, दिस एरे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बार ए मिला तो हमने ए की फ्रीक्वेंसी कर दी वन, फिर हमें एक बार बी मिला तो बी की फ्रीक्वेंसी कर दी वन, एक बार सी मिला तो सी की कर दी वन। तो हमने इनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी है, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है ये, तो हमें विंडो स्लाइड करनी है। तो ये वाली स्ट्रिंग हमको ढूंढनी है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग ढूंढनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये इसके जो फर्स्ट थ्री करेक्टर्स हैं इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन अवर एरे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें आंसर अभी इस क्वेश्चन का पता है, इस टेस्ट केस का पता है, एबीसी की परम्यूटेशन इसके अंदर है, डेट इज ट्रू, और वो ये रही बी ए सी। तो जब मैंने एबीसी की फ्रीक्वेंसी वन 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 कर दी, तो जब मैं इस सब स्ट्रिंग पे आऊंगा बी ए सी में, तो मैं बी की एक बार फ्रीक्वेंसी काट के कम करूंगा, सी की एक बार काट के कम करूंगा, और एक एक बार काट के कम करूंगा। तो इस केस में मेरे सारे एलिमेंट्स ना एरे में, सारे एलिमेंट जीरो रख रहे होंगे अपने पास। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें परमुटेशन मिल गई, कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये वन वन थे, तो हम विंडो स्लाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, शुरू के तीन करेक्टर जो है स्ट्रिंग टू के, उनकी फ्रिक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय, आई मीन डिक्रीमेंट कर देंगे बाय वन। तो ई की कर दी, अभी आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। E की कर दी मैंने 0 से -1, फिर I की कर दी मैंने 0 थी -1, फिर D की कर दी मैंने -1। अच्छा क्या मेरा एरे के अंदर सब जीरो है, सब जीरो है, नहीं कोई भी जीरो, आई मीन सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, तो अभी हमें अपना परम्यूटेशन नहीं मिला है। और हम ये देख भी सकते हैं कि ABC और EID परम्यूटेशन नहीं है दोनों आपस में, ठीक है। चलो अब हम अपनी खिसकाते हैं विंडो, एक हमने खिसका दी, अब हमने खिसका दी, तो हम ई को इग्नोर करेंगे, तो ई को इग्नोर करेंगे तो ई की फ्रीक्वेंसी वापस से एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये जीरो हो गई, ई की फ्रीक्वेंसी जीरो कर दी वापस से, और हमने बी इंक्लूड कर दी तो बी की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, तो यहां पे जीरो हो जाएगा। क्या अब हमें परम्यूटेशन मिल गई, यार बी तो मैच हो गया पर ए अभी भी मैच नहीं हुआ, सी अभी भी मैच नहीं हुआ, ए ए मतलब ए सी और डी आई मैच नहीं हुआ अभी भी, तो अभी भी जीरो जीरो है, सब जीरो जीरो नहीं है सब, तो अभी भी हमें अपना परम्यूटेशन नहीं मिली है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, फिर से खिसकाते हैं अपने विंडो को, हमने फिर से खिसकाई अपने विंडो। अब देखो, अब हमें आई जो हमने कहा था उसको उसको एक्सक्लूड कर दो यार, अब हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से एक से इंक्रीमेंट करके जीरो कर दो। ए को इंक्लूड कर रहे हैं तो अभी ए को जीरो कर दो, ठीक है, -1 से जीरो कर दी, इसको 1 से जीरो कर दी, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट एक का डिक्रीमेंट। चलो क्या अब हमें हमारा परम्यूटेशन मिला, यार स्टिल मेरा सी और डी आपस में मैच नहीं हो रहे, तो अभी परम्यूटेशन नहीं मिला मेरे को, ए बी मिल गया पर सी और डी मैच नहीं हो रहे अभी भी, ठीक है। मैं एक और बार खिसकाता हूँ, एक और बार खिसकाता हूँ, मैंने एक बार और खिसकाई,
अब मैंने क्या करना है, डी का इंक्रीमेंट करना है बाय वन, सी का डिक्रीमेंट करना है बाय वन। तो डी का इंक्रीमेंट करूंगा मैं बाय वन, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे। ये जीरो हो जाएगा माइनस वन से जीरो इंक्रीमेंट करने पर, और सी का डिक्रीमेंट बाय वन से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो इस पर्टिकुलर केस में, सारे सारे करेक्टर आई मीन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो है। डेट मीन्स हमको हमारा परम्यूटेशन या एनाग्राम भी कह सकते हैं वो मिल गया है। तो इस केस में हमें आगे चेक नहीं करना, बस यहीं से रिटर्न मार जाओ ट्रू, आगे चेक मत करो, तुम्हें तुम्हारा परम्यूटेशन मिल गया। नहीं मिला तो चेक करे जाओ, और एंड में अगर आप कभी भी नहीं मिलता तो एंड में कर दो फॉल्स रिटर्न। ठीक है, तो कुछ ये एल्गोरिदम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इन बिग ऑफ एन। ठीक है, चलो सिंपल सा था, सिंपल सा था। चलो फटाफट से कोड देख लेते हैं हम इसका। सिंपल सा इसका कोड है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, वो स्ट्रिंग्स भी लिख देता हूँ, आई मीन टेस्ट केस भी लिख देता हूँ। ओके चलो देखते हैं गाइस, देखते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, दो स्ट्रिंग मिलेंगे, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, दोनों की लेंथ एल वन और एल टू में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अगर लेंथ वन जो है इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ जो है बड़ी हो जाए, ये लेंथ वन है ना और ये लेंथ टू है, अगर ये बड़ी हो जाए तो तुम्हें कैसी परम्यूटेशन मिलेगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे को ए बी सी डी की परम्यूटेशन ए बी सी में ढूंढ के दिखाओ, क्या तुम ढूंढ भी सकते हो क्या, या मैं कहूँ ए बी सी सी की ढूंढ के दिखाओ उसमें क्या तुम ढूंढ सकते हो क्या, नहीं ढूंढ सकते ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग बड़ी है इससे, इसकी कोई स्ट्रिंग है इवन ये खुद इसको इसके इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, इसकी परम्यूटेशन इसके इक्वल नहीं हो सकती। तो इन दैट केस यू मस्ट रिटर्न क्या, फॉल्स है ना, फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ओके चलो, तो ये चीज समझ में आती है। तो ये कॉर्नर केस हमने हैंडल कर लिया, उसके बाद हम एक काउंट एरे बनाएंगे 26 साइज का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस काउंट एरे में सारी फ्रिक्वेंसी एस वन स्ट्रिंग की अपडेट कर देंगे एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले वन 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 कर दिया था ना एबीसी थी क्योंकि इसमें, तो ये वाला हमारा हो गया, ये वाला फर्स्ट फॉर लूप। ठीक है, इस वाले फर्स्ट फॉर लूप में हम यही काम कर रहे थे। चलो फिर क्या कर रहे थे हम, फिर हमारा था मेन काम, देखो क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे फ्रीक्वेंसीज आईथ करेक्टर की ऑफ स्ट्रिंग टू, और क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, पर ये कब कर रहे थे, जब हमारी विंडो का लेंथ जो है आई मीन हमारी विंडो एटलीस्ट एल वन लेंथ वन साइज की है ना, लेंथ वन साइज की। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर लूप पता है कैसे चला रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये मैंने पहले इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी, फिर ये मैं एकदम से थोड़ी कि तीन साइज की एकदम से विंडो ले लूंगा, एक एक करके करूंगा ना। तो देखो क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक सेकंड, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। हाँ देखो, पहले पता क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं करेक्टर ई को इंक्लूड कर रहा हूँ, करेक्टर ई को इंक्लूड कर रहा हूँ, आई इक्वल टू जीरो होगा मेरा। तो जब मैं करेक्टर ई को इंक्लूड कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डिक्रीमेंट करना है करेक्टर ई की वैल्यू, डेट इज यहां पे बस जस्ट मुझे माइनस माइनस वन लिखना है। ठीक है, अभी जब तक मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, जब तक मेरी विंडो का साइज क्या हो जाए, एटलीस्ट तीन साइज की विंडो तो हो ना मेरी, तभी तो मैं काम शुरू करूंगा अपना, तभी तो स्लाइडिंग करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो स्लाइडिंग करना मैं तब शुरू करूंगा जब मेरी लेंथ जो है एटलीस्ट पहली वाली स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये मेरी हो जाएगी तब हम इस इफ लूप में आ जाएंगे, आई मीन इस इफ ब्लॉक में आ जाएंगे, और फिर इंक्रीमेंट करना भी शुरू करते रहेंगे। ठीक है, और साथ के साथ हम क्या चेक करी जाएंगे, हम चेक करी जाएंगे कि कहीं सारे काउंट की जो एलिमेंट है सबकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो गई अरे में, अगर हो गई तो रिटर्न कर दो भाई ट्रू, तुमको तुम्हारा परम्यूटेशन मिल गया है। और ये फोर लूप चलाते चलाते अगर तुम्हें कभी भी नहीं मिलती है सारी काउंट एरे में वैल्यू जीरो, डेट मीन्स तुम्हारे को परम्यूटेशन भी नहीं मिला है, तो इन डेट केस यू शुड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो यही था गाइस इस प्रॉब्लम का सिंपल सा अप्रोच एंड उसका कोड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।